गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं इस चैनल पर ज़्यादातर पिकॉक के वीडियो डालता हूँ और पिकॉक के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि पिकॉक रात में कहाँ बैठते हैं। बहुत लोगों का कमेंट ऐसा आए थे तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिस एरिया में पिकॉक्स हैं वो लोग तो ज़रूर जानते होंगे कि पिकॉक रात को कहाँ बैठता है। तो दोस्तों, पिकॉक ऊंचे पेड़ की पतली टहनी पर बैठना पसंद करता है। जैसे ही रात होना शुरू होती है या अंधेरा होना शुरू होता है, उसके आसपास पिकॉक लंबी उड़ान भर के जंगल से या मकानों से उड़कर और पेड़ की ऊंची टहनी पर जाके बैठ जाता है। पूरी रात पिकॉक पेड़ की टहनी पर रहता है। पेड़ की पतली टहनी पर बैठने के पीछे लॉजिक यह है कि उसको शिकारी पक्षी, शिकारी जानवर जिसमें बिल्ली खासकर, लेपर्ड जंगल में अगर है तो लेपर्ड वगैरह जो पेड़ में चढ़ जाते हैं, उन जानवरों से बचने के लिए मोर पेड़ की सबसे ऊंची और पतली टहनी पर बैठते हैं। और एक बैठते समय सबसे खास ध्यान रखता है पिकॉक कि जिधर की हवा चलती हो उधर वो अपना चेहरा रखता है, ताकि उसके पंख जो हैं हवा में उड़कर उसके बैलेंस को ख़राब ना कर सकें। अब आपके सामने एक पिकॉक है जो एक नीम के पेड़ पर आराम से बैठा हुआ है। ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है। जैसे ही दिन उगता है तो पिकॉक पेड़ से उड़ता है और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो मकानों पर जाता है या पानी पीने के लिए पानी के स्रोत के आसपास चला जाता है, या फिर जंगल में उड़कर या खेतों में खुले मैदानों पर उड़कर चला जाता है। कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, जो पिकॉक है नर, वो अकेला बैठना पसंद करता है पेड़ में सबसे ऊंची टहनी पर। तो दोस्तों, पिकॉक्स की और घनी जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना।